ये औरत माँ नहीं बन पाती, इसलिए अपना मानसिक संतुलन खो देती है। अपने पेट पर बच्चे की तस्वीर लगाकर ये लोगों को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे बच्चा होने वाला है। इस कारण लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसपे हंसते हैं। उसका पति उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान होता है और उसपे हाथ उठा देता है। इतना ही नहीं, वो उसे घर के बाहर निकाल देता है। रात को वो पेड़ों के बीच में सोने की जगह ढूंढ लेती है और वहाँ सो रही होती है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने आसपास देखती है तो वहाँ एक बच्चा रहा होता है। ये देखकर वो पागल लड़की उस बच्चे को उठा लेती है और अपने पास सुला लेती है। सुबह जब उसके हस्बैंड का गुस्सा ठंडा होता है तो वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जाता है और उसे उठा के अपने घर ले आता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी के पास एक बच्चा भी है। वो उसे बहुत पूछता है कि ये बच्चा वो कहां से लाई, लेकिन पत्नी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो देखता है कि बच्चे के साथ एक लेटर भी है। जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये बच्चा कोई जानबूझ के छोड़ के गया है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी इस बच्चे को नहीं संभाल पाएगी, इसलिए वो बच्चे को किसी को गोद देने का सोचता है। जब उसकी पत्नी सो जाती है तो वो उस बच्चे को ले जाता है। तभी उस लड़की की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बच्चा वहाँ नहीं है। वो दौड़ती हुई बाहर आती है और वो देखती है कि उसके पति ने उसके बच्चे को एक गाड़ी वाले को दे दिया। उसका पति उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस गाड़ी के पीछे दौड़ती है। बच्चा भी अपनी माँ के लिए रो रहा होता है। देखते ही देखते वो गाड़ी उस माँ की आंखों के सामने से ओझल हो जाती है, पर उस माँ के कदम नहीं रुकते और वो इसी उम्मीद में चलती जा रही होती है कि वो अपने बच्चे को वापस ले आएगी। पर वो इस बात से अनजान थी कि उसकी ये तलाश दिनों से महीनों में बदल जाएगी। और आखिरकार एक दिन ऐसा भी आता है जब उसे वो गाड़ी दिखाई देती है। वो उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। दूसरी तरफ उसका पति भी उसके लिए परेशान होता है और अगले दिन वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और ढूंढते ढूंढते वो वहीं पहुंच जाता है जहां कुछ लोग उसकी पत्नी को मार रहे होते हैं। वो उन लोगों से अपनी पत्नी को बचाता है और उसे पता चलता है कि वो अपने बच्चे को वापस ले आई है। उसका पति उसे समझा जाकर बच्चे को वापस लौटा देता है, लेकिन उसकी पत्नी की दुनिया एक बार फिर से उजड़ जाती है। अपने बच्चे को अपने से दूर कर वो घर नहीं जाती, इसलिए उसका पति उसे वापस बच्चा दिलवा देता है। बच्चे के आ जाने से उसकी पत्नी फिर से खिलखिला उठती है और पूरे दिन अपने बच्चे के साथ रहती है। वो अपने बच्चे की दोस्त बन के उसके साथ खेलती है और जैसे उसका बच्चा कहता है वो बिल्कुल वैसे ही करती है। एक दिन उस बच्चे का पिता अपने बच्चे को समझाता है कि उसे स्कूल जाना चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगले दिन से बच्चा स्कूल जाने लगता है और अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, इसलिए अपनी माँ को ज्यादा समय नहीं दे पाता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके आसपास रहती थी। स्कूल के टीचर जब उसकी माँ को ऐसे देखते तो उसे वहाँ से भाग जाने को कहते और अपनी माँ की इन हरकतों पे उसकी बच्ची को शर्म आने लगी थी। घर आके वो अपनी माँ से कहती है कि वो बड़ी हो चुकी है और वो हमेशा अब उसके आसपास ना रहे। ये सुनकर माँ को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन वो माँ थी, अपने बच्चे की परवाह किए बिना नहीं रह सकती थी। बच्ची अपने पिता से कहती है कि वो जब भी बाहर जाए माँ को घर में बंद के जाए। अगले दिन स्कूल जाते समय वो बच्ची अपनी माँ के सामने कुंडी लगा देती है और स्कूल चली जाती है। स्कूल से लौटने का समय हो जाता है, लेकिन वो बच्ची घर नहीं लौटती। ये देखकर माँ को बहुत चिंता होती है। वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है। अब वो जल्दी से छाता उठाती है और खिड़की के रास्ते बाहर कूद जाती है। इस दौरान उसे चोट भी आती है, लेकिन वो अपनी चोट की परवाह ना करते हुए सिर्फ ये परवाह करती जाती है कि उसकी बच्ची कहीं भीग ना जाए, वो बीमार ना हो जाए। जब वो स्कूल जाती है तो सारे बच्चे उस पे हंसते हैं। ये देखकर उसकी बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे पता था कि उसकी माँ इतनी बारिश में भीगते हुए सिर्फ उसके लिए आई है, इसलिए उसका झगड़ा अपने क्लासमेट से हो जाता है। जब उसकी माँ देखती है कि उसकी बच्ची को कुछ बच्चे पीट रहे हैं तो वो उन बच्चों से लड़ाई करती है और उन्हें मारती है और अपनी बच्ची को लेकर घर लौट आती है। शाम को वो सब जब खाना खा रहे होते हैं तो उन बच्चों के पेरेंट्स उनके घर में घुस जाते हैं और उस पागल औरत को बहुत मारते हैं। ये देखकर उसकी बेटी और पति बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाते हैं और उसे छुड़वाते हैं और अब दोनों जाके उसके गले लग जाते हैं, क्योंकि वो आज समझ चुके होते हैं कि ये पागल जरूर है लेकिन अपने परिवार से उतना ही प्यार करती है जितना एक साधारण औरत करती है। दोस्तों, माँ बनना हर औरत का सपना होता है और इस कहानी के जरिए यही बताया गया है कि अगर कुदरत हमें माँ बनने का मौका ना दे तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ की जरूरत होती है। हम अपनी ममता उन पर लुटाकर माँ होने का सुख प्राप्त कर सकते हैं और उस बच्चे को भी माँ का सुख दे सकते हैं।